वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। नमस्कार, मैं हूं अंशिका और आप देख रहे हैं जनसत्ता.com। 2019 के लोकसभा चुनाव के रंग में हर कोई पूरी तरह से रंगा हुआ है। अभिनेता हो या नेता, हर कोई चुनाव प्रचार करता नजर आ रहा है, तो कई अभिनेता इस बार नेता भी बन गए हैं। हालांकि बॉलीवुड और राजनीति का तो चोली दामन का साथ है। जो बॉलीवुड सेलिब्रिटीज चुनाव नहीं लड़ते हैं, वे भी जनता से वोट देने की अपील जरूर करते हैं। बहुत सारे सेलिब्रिटीज अपनी उंगली पर वोट वाला निशान दिखाकर सेल्फी लेते हैं और उसे सोशल मीडिया पर पोस्ट करके लोगों से भी वोट देने की अपील करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ सेलिब्रिटीज ऐसे भी हैं जो लोगों से तो वोट देने की अपील करते हैं, लेकिन वे खुद वोट नहीं दे सकते। इस लिस्ट में आलिया भट्ट के अलावा अक्षय कुमार, जैकलिन फर्नांडिस, कैटरीना कैफ और कई सितारों के नाम शामिल हैं। क्यों ये बॉलीवुड सेलिब्रिटीज भारत में वोट नहीं दे सकते, आइए जानते हैं। दरअसल इन सेलिब्रिटीज के पास भारत की नागरिकता नहीं है, इस वजह से ये वोट नहीं डाल सकते। अभी हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान जब फिल्म कलंक की टीम से पूछा गया कि क्या वे वोट करेंगे, तो वरुण धवन ने कहा कि हाँ, वो बिल्कुल करेंगे। उन्होंने कहा कि हमें अपनी ड्यूटी तो पूरी करनी ही चाहिए। मगर जब आलिया से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वह वोट नहीं दे सकती, क्योंकि उनके पास भारत का पासपोर्ट नहीं है बल्कि ब्रिटेन का पासपोर्ट है। आलिया की मां सोनी राजदान भी भारत की नहीं बल्कि ब्रिटेन की नागरिक है और आलिया भारत में तभी वोट कर सकती है जब वह अपनी ब्रिटिश नागरिकता छोड़कर भारत की नागरिकता लें। हमेशा देश हित के मुद्दों पर एक्टिव रहने वाले और सबसे ज्यादा देशभक्ति फिल्में करने वाले अक्षय कुमार के पास भी भारत की नागरिकता नहीं है। आप ये सोचकर हैरान होंगे कि अक्षय कुमार का जन्म तो अमृतसर में हुआ, उनकी परवरिश दिल्ली में हुई, फिर वे भारत के नागरिक कैसे नहीं हैं? दरअसल कनाडा ने सम्मान पूर्वक अपनी नागरिकता अक्षय कुमार को दी थी। अक्षय कुमार ने भी ये नागरिकता स्वीकार कर ली। इस हिसाब से अक्षय के पास अब कनाडा का पासपोर्ट है और वे कैनेडियन नागरिक हैं। भारत में ये नियम है कि एक व्यक्ति एक साथ दो देशों की नागरिकता नहीं रख सकता, इसलिए अक्षय कुमार ने भारत का पासपोर्ट वापस लौटा दिया है। अब इस हिसाब से अक्षय कुमार कनाडा के नागरिक हैं और वे भारत में वोट नहीं दे सकते। इस लिस्ट में अगला नाम है दीपिका पादुकोण का। अब आप सोच रहे होंगे कि दीपिका पादुकोण तो बेंगलोर की रहने वाली थी, अब उनका नाम इस लिस्ट में क्यों है? लेकिन आपको बता दें कि दीपिका पादुकोण का जन्म डेनमार्क में हुआ था। उनके पास डेनिश पासपोर्ट है, इस हिसाब से वे डेनमार्क की नागरिक हैं और भारत में वोट नहीं दे सकती। इसके बाद नाम आता है कैटरीना कैफ का। कैटरीना कैफ के बारे में तो सब लोग जानते हैं कि वे भारतीय नहीं हैं, लेकिन कैटरीना कैफ हांगकांग में पैदा हुई है। उनके पास ब्रिटिश पासपोर्ट है और इसी वजह से वो भारत में वोट नहीं डाल सकती। वहीं इस लिस्ट में जैकलिन फर्नांडिस का नाम भी आता है। जैकलिन फर्नांडिस मूल रूप से मलेशियन है और उनके पास श्रीलंका का पासपोर्ट है। वे भारत की नागरिक नहीं है, इसलिए वे भी भारत में वोट नहीं डाल सकती। ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर जरूर कीजिए और इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com।